की क्लास में हम जनरल को आगे लेके जा रहे हैं और जनरल में आज जो हम हैं वो मॉडर्न अप्रोच से जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने जो जनरल एंट्री बनाना आपको सिखाया था और उसको आगे भी लेते रहेंगे, तो वो जो पहले वाले थे वो ट्रेडिशनल रूल थे जो आपको तीनों याद हो गए होंगे। पहला रूल आपका था डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। और फिर उसके बाद था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और थर्ड रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो वो हमने जनरल एंट्रीज थे, तो उन्हीं जनरल एंट्रीज को हम मॉडर्न रूल से भी बना सकते हैं। तो वो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारे पास पांच रूल होते हैं, वहाँ पे तीन रूल थे, यहाँ पे पांच रूल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न में पांच रूल लगेंगे, एक तो एसेट्स का लगेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपका लाइबिलिटीज, तीसरा पॉइंट आपका कैपिटल, चौथा पॉइंट आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पांचवा आपका रेवेन्यू इनकम प्रॉफिट्स वगैरह का होगा। तो इसमें पांच रूल होते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी एंट्री बनाने के लिए एक डेबिट चाहिए होता है और एक क्रेडिट चाहिए होता है। तो एसेट्स का क्या होता है, एसेट्स के बैलेंस होते हैं, एसेट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट्स को बढ़ाना हो तो डेबिट करना पड़ता है, एसेट्स को कम करना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रूल याद कर लीजिए, एसेट्स को बढ़ाना हो तो डेबिट, एसेट्स को कम करना हो तो क्रेडिट। दूसरा पॉइंट, लाइबिलिटीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट और लाइबिलिटीज को कम करना हो तो डेबिट। यानी कि जो लाइबिलिटीज आपने सीखा था, इट इज दैट अमाउंट विच इज पेबल टू आउटसाइडर्स, और जो आपने आउटसाइडर्स को देना होता है उसमें आपने पढ़ा था नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती है और करंट लाइबिलिटी भी होती है, राइट। अब हम इसके आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कैपिटल, जिसको हमने बोला था इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल भी कहते हैं और इंटरनल लाइबिलिटीज भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं, राइट। इक्विटी तो कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटीज है, सेम रूल हो जाएगा, अगर बढ़ाना हो तो क्रेडिट और कम करना हो तो डेबिट। इसी टाइप से आता है आपका इनकम्स, आपने पढ़ा था प्रॉफिट पढ़ा था गेन रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन सेल्स, तो सेल्स कर ही आपको प्रॉफिट होता है और इनकम होता है। और सेल्स की जब हम एंट्री करते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता था या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता था, आपको याद होगा। जब क्रेडिट सेल होती थी तो हम एंट्री करते थे कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि रवि डेबिट टू सेल्स, और अगर कैश सेल होती थी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सेल्स को रिवेन्यू कहते हैं। आगे हम चलते हैं, चौथा रूल आपको पता चल गया, पांचवा रूल है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम के बारे में आपको पता ही है, प्रॉफिट और इनकम में क्या होगा, अगर इसको बढ़ाना होगा तो क्रेडिट और कम करना होगा तो डेबिट, राइट। तो अब हम देख लेते हैं इसको, और मैंने आपके लिए एक बॉक्स बनाया, तो बॉक्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, साथ के साथ में आप कॉपी करते रहिएगा। ओके, आज हमारा जनरल टॉपिक आगे मॉडर्न अप्रोच से समझाने जा रहे हैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट है, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट्स को बढ़ाना हो तो डेबिट करेंगे ध्यान से देखें, और एसेट्स को कम करना हो तो क्रेडिट करेंगे, ये भी आपको एंट्री के अंदर बता दिया जाएगा। लाइबिलिटीज को अगर आप कम करना चाहें तो डेबिट करना पड़ेगा ध्यान से देखें, डिक्रीज, और लाइबिलिटीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल को कम करना हो तो सेम रूल है, डेबिट करना पड़ेगा, और कैपिटल को बढ़ाना हो तो आपको क्रेडिट करना होगा। सेम प्रॉफिट में भी यही रूल है। और अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस को अगर बढ़ाना हो, जैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस को बढ़ाना हो, लॉसेस को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। अब हम इसको जनरल एंट्री के थ्रू आपको क्लियर कर देते हैं। तो एसेट्स का जो रूल होता है, नंबर वन है आपका एसेट्स ले रहे हैं हम, एसेट्स का मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि एसेट्स को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। अब हम इसको एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखें, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज रुपीज 10,000। इस एंट्री को मैं आपके लिए दोनों मेथड से बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ट्रेडिशनल रूल से भी और मॉडर्न रूल से भी। तो पहले आपको ट्रेडिशनल रूल से ले रहे हैं, क्या आ रहा है बेटे आपके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, दैट इज द ट्रेडिशनल रूल। तो इसमें आपके पास अमाउंट आ रहा है, इसमें आपको पुराने वाला रूल लग गया कम्स इन, राइट, और यहां पे कौन सा रूल लग गया, गोज आउट,
क्लियर। अब हम इसी एंट्री को मॉडर्न से बताने जा रहे हैं, तो मॉडर्न से भी यही एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हमारा रूल लिखने का फर्क हो जाएगा, एंट्री आपकी दोनों रूल से बन जाएगी। अब फर्नीचर में आपका हो रहा है कि फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो एसेट आपकी बढ़ रही है डेबिट, कैश भी आपका एसेट है तो इसमें एक एसेट आपकी कम हो रही है तो क्रेडिट। तो आप ध्यान से देखेंगे एंट्री एक ही है, ये एंट्री आपने पहले भी सीखी थी मेरे से, फर्नीचर परचेज करने की, फर्नीचर आ रहा है कैश आ रहा है, वो आपका पुराना रूल था। तो नया रूल क्या है, जैसे आज का टाइम मॉडर्न रूल है, तो मॉडर्न रूल का क्या मतलब है कि उसको हम किसी नई चीज से भी बना सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें सिर्फ हमारा लॉजिक चेंज हो गया, लॉजिक ये है कि एसेट बढ़ रही है तो डेबिट और एसेट को कम कर रहे हैं तो क्रेडिट, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बी पॉइंट, तो फर्नीचर परचेज। अब अगला पॉइंट देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू रवि ऑन क्रेडिट रुपीज 1000। अब आपने रवि को सामान बेचा है, किससे बेचा है, ऑन क्रेडिट, राइट, उधार बेचा है आपने, तो रवि आपका क्या बन गया, डेटर्स बन गया। तो अगर आप इसके ध्यान देखें, हु इज द रिसीवर, अगर हम पुराने रूल से एंट्री बनाए तो पुराने रूल से एंट्री क्या बनेगी, रवि डेबिट राइट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें कौन सा रूल बन गया, रिसीवर, यहां पे कौन सा रूल हो गया, राइट, रिवेन्यू, तो ये रिवेन्यू भी है, तो रिवेन्यू आपका हो रहा है तो रिवेन्यू को आप क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं और गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो यहां पे ये भी हो गया। तो हम इसको दूसरे रूल से अगर एंट्री बनाए तो दूसरे रूल से एंट्री क्या बनेगी, रवि डेबिट, एंट्री सेम बनेगी, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रवि यहां पर आपका क्या बन गया, डेटर्स बन गया, डेटर क्या होता है, एसेट, तो डेटर एसेट होता है तो डेबिट, और ये रिवेन्यू हो गया, रिवेन्यू आपका बढ़ रहा है, रिवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो एक ही एंट्री को हमने दो दो तरीकों से दिखा दिया मॉडर्न रूल। तो इधर ये डेटर है, डेटर आपका एसेट है, तो यहाँ पे आपकी एसेट बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट, सेकंड रूल इज द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यू ऑलरेडी नो दैट, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज दैट अमाउंट विच इज पेएबल टू आउटराइडर्स। और लायबिलिटीज के मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटीज को कम करना हो तो डेबिट करेंगे। जैसे आपको पता ही होगा कि लायबिलिटीज के कुछ आपको एग्जांपल्स बताए होंगे मैंने, उसमें से एक एग्जांपल होता है आपका क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे आप उधार खरीदते हैं, आपको बताया था, जिनसे आप उधार परचेज करते हैं, वो किसी भी चीज की हो सकती है, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं, लायबिलिटीज को कम करना हो तो बेटे डेबिट है और लायबिलिटीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट है, ये चीज ध्यान रखें। तो अब हम इसको एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल रुपीज 50,000। तो आपके पास क्या आ रहा है बेटे इसमें, यस मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट। अगर हम देखें तो इसमें गिवर कौन है, टाइप से अनिल है पुराने रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये डेबिट ये क्रेडिट हो गया। तो मशीनरी यहां आ रही है, मशीनरी आपकी क्या होती है, एसेट होती है, एसेट आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एसेट अगर आपकी बढ़ेगी तो आप इसको डेबिट करोगे और लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं और इनको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अनिल, तो अनिल आपके सामने एक टाइप से यू कैन से गिवर, लेकिन हम मॉडर्न रूल से सीख रहे हैं तो अनिल आपका क्रेडिटर्स हो गए क्योंकि वो आपको उधार दे रहा है, और उधार दे रहा है तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और दूसरी तरफ आपकी तरफ मशीन आ रही है, और जो मशीन आ रही है वो आपकी एसेट है, और उसके कारण आपकी फैक्ट्री में आपके ऑफिस में एसेट बढ़ रही है, यानी कि मशीन को बढ़ रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट, रुपीज 10,000 पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है वो यहां पे अनिल है। अब जो क्रेडिटर्स होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है,
creditors are the liabilities, और liabilities को कम करता हूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया था debit करेंगे, और जब आप अनिल को पैसे देंगे तो अनिल receiver भी है पुराने वाले rule के according, और नए वाले रूल के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो अब इसमें एंट्री क्या बनेगी, अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पर भी अमाउंट आ जाएगा, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है, अनिल आपका क्या है क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स आपके क्या हो रहे हैं कम, तो कम होंगे तो डेबिट, और इधर आपकी एसेट क्या हो रही है, एसेट आपकी कम हो रही है तो क्रेडिट, तो इसका मतलब अनिल आपका क्रेडिटर्स था, और क्रेडिटर्स किसका एग्जांपल होता है लायबिलिटी का, और लायबिलिटी कम हो रही है, राइट, दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द लायबिलिटीज। एंड थर्ड पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंट ड्यू, रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹3000, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट आप पे ड्यू हो गया, आप कहीं किराए पे रहते हैं, आपने किराया नहीं दिया, और जब आपने किराया नहीं दिया तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, राइट, तो जब लाइबिलिटीज क्रिएट होती है तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करेंगे उसको, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, राइट, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, तो यहां पर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेम ऐसे एक पॉइंट और देख सकते हैं आप, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹4000, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, राइट, तो सैलरी यहां पर क्या हो गई आपके लिए, लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो लायबिलिटीज कम हो रही हो तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट, राइट। अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट इज द कैपिटल, कैपिटल को आप क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, इंटरनल लायबिलिटी, राइट, और यू कैन से इक्विटी, तो आप कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटीज भी कह सकते हैं और इक्विटी भी कह सकते हैं, और कैपिटल भी, कैपिटल की डेफिनेशन क्या बताई हुई है आपको, कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, राइट, कैपिटल को भी इंटरनल लायबिलिटीज कह रहे हैं, तो इसका भी क्या रूल हो गया आपका, अगर आपको कैपिटल को बढ़ाना है या घटाना है, अगर घटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, और अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, सेम लायबिलिटीज का एग्जांपल हो गया ये, दैट इज द इंटरनल लायबिलिटीज, दिस इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों को पैसा देना है बिजनेस ने, और जो अपने ओनर को पे करना है उसको हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं, राइट, तो अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹6 लाख। आप ध्यान रखें कि जो एंट्रीज पास की जाती हैं वो हमारी बुक्स में नहीं होती है, बिजनेस की बुक्स में होती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, बिजनेस और जो ओनर होता है दोनों के बीच में सेपरेट एंटिटी होती है, ओनर अलग माना जाता है, बिजनेस अलग माना जाता है, जो आप एंट्रीज करते हैं वो बिजनेस बुक्स में करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, तो जब आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, राइट, टू रमेश कैपिटल, रमेश कैपिटल अकाउंट, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में एसेट बढ़ रही है, कैश किसका एग्जांपल होता है, कैश किसका एग्जांपल है, एसेट का,
रमेश, यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं कि अगर किसी और ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 7 लाख। सिर्फ पेपर में नेम चेंज हो जाता है, एंट्री सेम बनेगी। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। हु इज द गिवर, रमेश, यानी कि कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है तो यहां पर भी एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहां पर आपके पास बिजनेस में क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है कैपिटल, बिजनेसमैन की कैपिटल बढ़ रही है, और बिजनेस को पैसा देना है तो बिजनेस को जो पैसा देना होता है उसके लिए तो वो लाइबिलिटीज होती है, और बिजनेस के बाद कैश आ रहा है, एक टाइप से कम सीन हो रहा है। आप ये भी सोच सकते हैं कम सीन हो रहा है पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एसेट बिजनेस के पास बढ़ रही है, इसलिए उसको हम बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। थर्ड एग्जांपल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड रुपीज, राइट, 2000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड रुपीज 2000। बिजनेस आपकी कैपिटल पे, आप बिजनेस के ओनर हैं, दोनों अलग अलग है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, और एंट्रीज जो भी पास करनी है वो आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, राइट, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन आपके दीवार पे आ गया उस दिन आपकी एंट्री ठीक हो जाएंगी। तो बिजनेस अपने ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो लॉस है, और एक्सपेंस और लॉस को आपको पता है डेबिट करते हैं, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और जब कैपिटल बढ़ती है तो उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी आपके अमाउंट आ जाएगा और यहां पर भी अमाउंट आ जाएगा, तो यहां कौन सा रूल लग गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है डेबिट, और कैपिटल क्या हो रही है, ओनर की कैपिटल बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये चीज ध्यान रखें कि कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट बिजनेसमैन को दे रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट से एक्सपेंसेस है, वो लॉस है। ओके स्टूडेंट, अब हम फोर्थ रूल पे आ गए हैं। पहला रूल आपने एसेट से सीख लिया है कि एसेट को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, कम करना हो तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को कैसे करेंगे, और अभी अभी आपने सीखा कि कैपिटल के लिए क्या रूल है, तो लाइबिलिटीज और कैपिटल का सेम रूल है। तो अब हम फोर्थ रूल सीख रहे हैं, उसका जरा ध्यान से देख लें कि रिवेन्यू के बारे में बात करेंगे हम। रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स, तो इनके लिए क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, क्योंकि आपने पढ़ा ही हुआ है कि ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस। अगर हमें इनको बढ़ाना हो, इनको बढ़ाना हो तो क्रेडिट करेंगे, और रेवेन्यू को अगर हमने कम करना है तो डेबिट करेंगे। तो इन चीज के बारे में हम देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे रूल आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, नंबर वन, राइट, सबसे पहला पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम हो गई, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 2000। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, कमीशन रिसीव जो है वो आपकी इनकम है, वही पुराने रूल के अंदर क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे बस वही रूल है। यहाँ पर भी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो यहां पर अगर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी एसेट जो हो रही है वो बढ़ रही है, उसको डेबिट करेंगे, और नीचे जो आपकी इनकम्स वगैरह है
वो भी बढ़ रही है तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम आपकी बढ़ रही है, कमीशन रिसीव की बात हो रही है राइट, तो कमीशन रिसीव जो होगी तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। ये चीज ध्यान रखें, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है। इसी का ही सेकंड पॉइंट एक और देख रहे हैं राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रुपीज 4000। तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि मॉडर्न रूल एसेट बढ़ रही है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 4000। तो क्या रूल हो गया, कैश किसका एग्जांपल होता है, एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, और इनकम क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। और पुराना रूल कौन सा आपको मालूम ही है, पुराना रूल के अकॉर्डिंग भी एंट्री बन सकती थी। पुराना रूल क्या है, कैश क्या था, कम्स इन कैश आ रहा है और जो आपका इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, पुराने रूल में भी आपने सीखा ही है। थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 8000। अब आपने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो सेल्स होता है वो रिवेन्यू हो रहा है, गुड्स जा रहा है। जब गुड्स को बेचते हैं तो मैंने उसके लिए आपको टर्म सिखाई थी, जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसके लिए सेल्स वर्ड आता है राइट, जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसके लिए सेल्स वर्ड आता है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट राइट, तो रिवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट आपका कितना हो गया 8000, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया आपका, वही चीज, एसेट बढ़ रही है डेबिट और रिवेन्यू बढ़ रहा है क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय अनिल टू अस रुपीज 1000। हमने अनिल को सामान बेचा था, हमने गुड्स सोल्ड करा था अनिल को, तो अनिल ने अब हमें पैसे दे रहा है, अनिल हमें पैसे दे रहा है, गुड्स वापस कर रहे हैं, गुड्स हमें वापस करने आया है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय अनिल टू अस, हमें वापस करने आया है। जब हमें वापस करने आएगा तो इसका मतलब हमारी दुकान में गुड्स आ रहा है, जब वो सेल्स को जब वो वापस करेगा हमें तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना। जब आप किसी को गुड्स बेचते हैं तो एंट्री होती है अनिल डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब वो आपको सामान वापस करने आता है तो उसके लिए वर्ड होता है सेल्स रिटर्न। क्या वर्ड होता है, सेल्स रिटर्न। यस, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो अब इसमें एक नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जब आपको गुड्स वापस करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल, और अनिल आपका डेटर रहा होगा, तो सेल्स रिटर्न में आपका रिवेन्यू कम हो रहा है, क्योंकि सेल करने से रिवेन्यू बढ़ता था, अब रिवेन्यू कम हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और नीचे जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स भी आपके कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट, डेटर एसेट होते हैं। तो दोबारा से सुन लें, जब आप सेल्स करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं राइट, और जब आपको सामान वापस करने आएगा तो आप उसको सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स आपका रिवेन्यू होता है, आपके पापा ने 1,00,000 की सेल करी, उसमें से 20,000 रुपए का सामान वापस आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपकी सेल्स कम हो गई, आपका रिवेन्यू कम हो गया। और जब रिवेन्यू को कम करते हैं तो ध्यान से देखें, रिवेन्यू को कम करने के लिए डेबिट करते हैं राइट। अब आपका फिफ्थ रूल है जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस राइट। एक्सपेंसेस वगैरह को अगर हमें बढ़ाना हो, एक्सपेंसेस को बढ़ाना हो तो डेबिट, और एक्सपेंसेस को अगर हमें कम करना हो तो क्या, क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, नंबर वन राइट, रेंट पेड रुपीज 10,000। तो रेंट पेड सबको पता है एक्सपेंसेस है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं डेबिट, और नीचे एसेट क्या हो रही है आपकी राइट, कम हो रही है तो क्रेडिट। सेकंड पॉइंट, रेंट पेड, ऐसे ही क्या हो सकता है, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, रिपेयर, ये सब एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो वो भी आपके लिए एक्सपेंस होता है, और जब आप गुड्स को सोल्ड करते हैं तो वो रिवेन्यू होता है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, गुड्स परचेज रुपीज 10,000, आपने गुड्स परचेज करा है 10,000 रुपीज, ओके, आपने गुड्स परचेज किया है 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम साहिल, आपने साहिल से सामान खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है और साहिल से खरीदा है, साहिल आपका क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर का मतलब है लाइबिलिटीज हो गई आपकी, और आपके पास गुड्स आ भी रहा है, और गुड्स के लिए मैंने आपको बताया था जब आप गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड बताया था, परचेजेस वर्ड यूज करना है, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, गुड्स आ रहा है परचेजेस अकाउंट डेबिट राइट टू हु इज द गिवर, साहिल, और साहिल हमारा क्रेडिटर्स बन गया, तो साहिल हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, और क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री तो हमने पहले भी सीखी हुई है कि गुड्स कम्स इन से भी बना सकते हैं पुराना रूल, और हु इज द गिवर साहिल, वो पुराना रूल था ट्रेडिशनल, नया रूल क्या है, परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और नीचे लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, हमने इनको पैसे देने हैं। थर्ड पॉइंट राइट, थर्ड पॉइंट एक और देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू साहिल, साहिल को हमने वापिस करा है रुपीज 3,000, हमने यहां साहिल को 3,000 रुपए का गुड्स वापिस कर दिया, साहिल जो था वो हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स, साहिल को हमने 3,000 रुपए का गुड्स वापिस कर रहे हैं, साहिल से गुड्स खरीद के लाए थे, जब हमने किसी से सामान खरीदेंगे उसको वापिस करेंगे तो परचेज रिटर्न बोलेंगे, यानी कि गुड्स जा रहा है आपके पास से, परचेज रिटर्न, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, और जब गुड्स को वापस करने जाते हैं तो उसके लिए परचेज रिटर्न वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है, परचेज रिटर्न। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या रूल लगेगा, हु इज द रिसीवर, साहिल, क्या गोज आउट हो रहा है, गुड्स, लेकिन आपने कौन सा वर्ड लगाना है, टू परचेजेस रिटर्न, क्या वर्ड लगाना है, टू परचेजेस रिटर्न। तो यहां पर क्या हो गया राइट, क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं आपका मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो डेबिट, यानी कि लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, और नीचे आपका एक्सपेंसेस भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट कर दिया जाएगा राइट। गुड रिटर्न टू साहिल, साहिल को आप सामान वापिस कर रहे हैं, साहिल आपका क्रेडिटर था तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है राइट, और उसके साथ साथ आपका एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं क्योंकि आपने कुछ सामान वापस कर दिया, अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे राइट।